जी छात्रों, बही खाता लेखाकरण 12वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे ऋण पत्र संबंधी लेखों का। आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि ऋण पत्रों का लेखा जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो पूर्व में जैसा कि हमने जाना था, ऋण पत्र जो है कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र है, जो ये इस बात को स्वीकार करती है कि उसने ऋण पत्र धारी से उसमें लिखी धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की है, और एक निश्चित समय के बाद उसमें जो राशि दर्ज है ब्याज की, वो ऋण पत्र धारी को वापस देने का वचन देती है, वो कहलाता है ऋण पत्र कहलाता है। अर्थात ऋण पत्र जो है कंपनी को पूंजी प्राप्त करने का एक क्या है, माध्यम है। यहाँ पर कंपनी जो है इस ऋण को प्राप्त करने के एवज में एक प्रमाण पत्र ऋण पत्र धारी को जारी करती है, जिससे वो एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है, और कंपनी एक निश्चित समय के पश्चात जो है उसका मूलधन भी वापस करने का अधिकारी यहाँ पर होता है। तो ये जो है ऋण पत्र धारी कंपनी के क्या है, दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। कंपनी में जो ऋण पत्र के माध्यम से वो भी पूंजी लगाता है, वो कंपनी के जीवन काल तक के लिए, लंबे समय तक के लिए उसमें विनिवेश करता है। यहाँ पर जो है इन अंशधारियों से इन्हें जो है पूर्व पूंजी वापसी की प्राथमिकता होती है। भविष्य में यदि ऋण पत्र धारी को पूंजी वापस की जाती है, मूलधन वापस किया जाता है, तो उन्हें अंशधारियों से पहले उन्हें उनका मूलधन वापस किया जाता है। इनका यदि कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी एवं परिवर्तनशील प्रभाव हो सकता है, अर्थात ऋण पत्र धारियों ने जो पूंजी लगाई है उसके पीछे गारंटी के तौर पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की संपत्तियां जो है वो प्रभाव के रूप में हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी ने मान लीजिए ऋण पत्र की राशि वापस ना की, असमर्थ हो, तो भविष्य में ऋण पत्रधारी जो है कंपनी की संपत्ति को बेचकर अपनी रकम को प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने ऋण पत्र के बारे में जाना था। अब हम यहाँ जो पूर्व में अंश पत्र पढ़े और ऋण पत्र, तो अंश पत्र क्या है? अंश पत्र जो है कि विभिन्न अंश पत्रों के माध्यम से कंपनी में जो अंशधारी अपनी पूंजी लगाते हैं उन्हें यहाँ पर जो है लाभांश प्रदान किया जाता है। तो अंश पत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जो हमने देखा था कि समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। समता अंशों में जो है लाभांश यहाँ पर उसकी कोई निश्चित दर नहीं होती। दो प्रकार अंश पत्रों के होते हैं, समता और पूर्वाधिकारी अंश। समता अंश में जो है अंशधारी को जो है उसकी जो लाभांश की दर है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। जबकि वहीं पूर्वाधिकारी अंश पत्र में जो है पूर्वाधिकारी अंशधारी को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी से जुड़े हुए जो ऋण पत्र है, ऋण पत्र क्या है, कंपनी जो है ऋण के माध्यम से पूंजी प्राप्त करती है। तो यहां अंश पत्र और ऋण पत्र दोनों जो है ये क्या है, पूंजी प्राप्ति के दोनों स्रोत है। एक कंपनी के पूंजी स्रोत है, इनके माध्यम से कंपनी जो है पूंजी प्राप्त करती है। अंतर सिर्फ यहां पर यह है कि इनको जो है लाभांश दिया जाता है और इनको ब्याज दिया जाता है। और भी जो बहुत सारे अंतर हैं इनको हम देखते हैं। प्रतिफल प्राप्ति के रूप में जो है अंशधारी जो है लाभांश पाने का अधिकारी होता है, जबकि ऋण पत्र धारी को केवल ब्याज प्राप्त होता है। ये निश्चित दर से इन्हें लाभ ब्याज मिलता है। अब दूसरी स्थिति जो है स्थिति या स्वामित्व, ये अंशधारी जो होते हैं ये कंपनी के क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाभांश की दर जो है क्या है, अनिश्चित है, और ये व्यवसाय की जोखिम उठाते हैं, इसलिए ये क्या है, व्यवसाय के स्वामी है। फिर ऋण पत्रधारी जो है कंपनी के क्या है, एक प्रकार के लेनदार है। क्यों? क्योंकि इन्हें निश्चित दर से ब्याज मिलता है, इन्होंने जो है ऋण पत्र के माध्यम से पूंजी कंपनी को उधार में दी है। फिर प्रबंध में अर्थात संचालन में भाग लेने का जो अधिकार है, अंशधारी कंपनी के स्वामी है इसलिए ये प्रबंध में भाग ले सकते हैं। ऋण पत्रधारी चूंकि कंपनी के स्वामी नहीं है, ये लेनदार है, इसलिए इन्हें ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर हानि होने पर, अब यहां पर यदि हम देखते हैं कि एक उस कंपनी को व्यवसाय में हानि होती है, तो अंशधारी चूंकि कंपनी के स्वामी है इसलिए इन्हें लाभांश नहीं दिया जाता है। जो भी लाभ और हानि जो है उसको बहन करने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी स्वामी की है, और अंशधारी जो है कंपनी के स्वामी।
व्यवसाय को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, यहाँ पर उन्हें निश्चित दर से ब्याज देना ही पड़ेगा। कुछ और अंतर जो है इसमें देखें हम, नंबर 5 जो है पूंजी या ऋण, कंपनी को अंशों से प्राप्त राशि जो है वो पूंजी कहलाती है, जबकि कंपनी को ऋण पत्र से जो प्राप्त राशि है वो ऋण के रूप में होती है, अर्थात अंश पत्रों से जो प्राप्त राशि होती है वो कंपनी की पूंजी होती है और ऋण पत्र से जो प्राप्त राशि है वो कंपनी के लिए ऋण पूंजी कहलाती है। फिर राशि की वापसी, अंशधारियों को जो है क्योंकि ये स्वामी है इसलिए कंपनी के समापन के अवसर पर ही इन्हें पूंजी की वापसी की जाती है, अंश पत्र की जो राशि है वो कंपनी के समापन पर ही दी जाती है। और यहाँ ऋण पत्र को जो है अनुबंध की शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के बाद वापस किया जाता है, जो अनुबंध किया गया उस शर्तों के अनुसार जो निश्चित समय के बाद वापस किया जाएगा। फिर वापसी की बात करें हम, तो कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी ऋण पत्रों का भुगतान होने के बाद लौटाई जाती है, इनको वापसी जो है धनराशि पूरी या आंशिक कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी या नहीं भी मिलती है। कोई जरूरी नहीं है कि अंश पूंजी के माध्यम से जो कंपनी में उसने पूंजी लगाई है उसकी पूरी की पूरी अंश पूंजी की राशि जो है मूलधन जो है उसको वापस मिल जाए, लेकिन कंपनी के समापन पर ऋण पत्रधारी को अंशधारी को भुगतान करने के पूर्व लौटाया जाता है, अर्थात यहां पर जो है ऋण पत्रधारियों को अपनी पूंजी वापस करने का अधिकार जो है अंशधारी से पहले प्राप्त है। फिर मताधिकार, कंपनी की सामान्य सभा की बैठक वगैरह में अंशधारी को मत का मतदान करने का अधिकार होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है स्वामी है इसलिए इनको संचालक मंडल के सदस्यों की सभा में भाग लेने का अधिकार, मत देने का अधिकार इनको होता है, जबकि ऋण पत्रधारी को किसी भी तरह का मतदान का अधिकार नहीं रखते, क्यों, क्योंकि ये उस व्यवसाय के स्वामी नहीं है, ये व्यवसाय के क्या है लेनदार है। अंतिम जो है सुरक्षा, अंश किसी भी रूप से सुरक्षित नहीं होते, क्यों, क्योंकि इसलिए सुरक्षित नहीं होते क्योंकि इनमें लाभांश की दर भी जो है अनिश्चित है, लाभ हुआ तो इन्हें प्राप्त होगा, लाभ नहीं हुआ तो इन्हें लाभांश नहीं दिया जाएगा। साथ ही समापन के समय पर यदि कंपनी के पास पूंजी बचती है तो इनकी जो है पूंजी वापस की जाती है, अन्यथा इनको नहीं की जाती, जबकि ऋण पत्र का कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव होता है, यदि कंपनी ऋण पत्र धारियों को उनकी पूंजी वापस करने नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों के बिहाफ में जो संपत्तियां प्रभार गिरवी के रूप में रखी हुई है, प्रभार मतलब यहां पर गिरवी, गिरवी के रूप में रखी हुई है, उनको बेचकर जो है यहां पर ऋण पत्र की राशि जो है ऋण पत्र धारी वापस प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है अंश पत्र और ऋण पत्र में मुख्य अंतर है। अब यहां हम देखते हैं जब हम ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं तो उसकी लेखा एवं विधि किस प्रकार की, जिस प्रकार से हम अंश पत्रों का लेखा करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहां पर ऋण पत्रों का भी लेखा किया जाता है। अंश पत्र में जो है हम राशि आवेदन पर, दूसरा आवंटन पर, तीसरा याचना, प्रथम और चौथा याचना द्वितीय, ये चार भागों में जो है हम अंश की राशि जिस प्रकार से प्राप्त करते हैं ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्र में भी, ऋण पत्र की राशि भी जो है हम एक मुश्त भी प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन आवंटन याचना फर्स्ट याचना टू के क्रम में जो है हम ऋण पत्र की राशि ऋण पत्र धारी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका निर्गमन जो है उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार अंशों का निर्गमन होता है। यहाँ ऋण पत्र का भुगतान जो है किस्तों में या एक मुश्त लिया जा सकता है, अर्थात हम एक बार में ले सकते हैं ऋण पत्र की संपूर्ण राशि या फिर आवेदन आवंटन याचना के आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान किस्तों के लिए किए जाने पर पहली किस्त जो है आवेदन पत्र के साथ दूसरी आवंटन के समय व शेष किस्त एक या दो भागों में याचना के रूप में मंगाई जा सकती है, आवेदन पर मंगाई जा सकती है, आवंटन पर और फिर याचना के रूप में मंगाई जा सकती है। अब जब हम यहाँ पर ऋण पत्र जो है श्रम मूल्य पर भी, प्रीमियम पर भी और बट्टे पर भी निर्गमित कर सकते हैं, जिस प्रकार से अंश पत्रों को हम श्रम मूल्य पर, उनके अंकित मूल्य पर और
प्रीमियम पर अर्थात अंकित मूल्य से अधिक, ठीक इसी प्रकार से ऋण पत्रों को भी हम तीन प्रकार से निर्गमित कर सकते हैं। तो यहां जब हम बट्टे पर निर्गमित करते हैं तो यह हमारे लिए क्या है, पूंजीगत हानि है, और अन्य पूंजीगत हानि की भांति इसे हम अपलिखित किया जाता है। अब यहां प्रीमियम पर यदि ऋण पत्र हमने जारी किए हैं तो यह क्या है, पूंजीगत लाभ होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जब बट्टे पर ऋण पत्रों को जारी किया जाता है तो वो व्यवसाय के लिए क्या है, पूंजीगत हानि, और जब ऋण पत्र को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो वो कंपनी के लिए क्या है, पूंजीगत लाभ। अब यहां पर जो पूंजीगत लाभ है इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और अधिक शीर्षक के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम खाते में दिखाया जाता है। और जैसा कि बताया कि ऋण पत्रों का जो लेखा है अंशों के निर्गमन के लेखे की तरह ही होता है, केवल अंश पूंजी खाते के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, ऋण पत्र खाता खोला जाता। तो ठीक उसी प्रकार से जनरल प्रविष्टियां होंगी जिस प्रकार से अंश पत्र की हम जनरल प्रविष्टि करते हैं, आवेदन के रूप में, आवंटन के रूप में, याचना के रूप में और अंतिम याचना के रूप में, ठीक इसी प्रकार से ऋण पत्रों का लेखा भी इन चार भागों में किया जाएगा। ये जो है ऋण पत्र का निर्गमन के संबंध में जो हम लेखे करेंगे उसकी विधि जो है वो ये है। अब यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम देखते हैं कि ऋण पत्र को जो हमने बाजार में जारी किया अंकित मूल्य पर, सम मूल्य पर, तो उसका हमने जो है एक मुश्त निर्गमन किया। एक मुश्त से तात्पर्य यहां पर एक साथ पूरी राशि प्राप्त हो गई। जैसे कि उदाहरण आशा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले ऋण पत्र की कीमत कितनी है, 100 रुपए, जारी कितने किए, 2000 ऋण पत्र जारी किए 12% वाले। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर उन्हें 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर 100 रुपए वाले 2000 12% ऋण पत्र जारी किए। कंपनी की पुस्तकों में हमें जनरल प्रविष्टि करना है, यदि ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए गए और ऋण पत्र की राशि एक मुश्त प्राप्त हुई, मतलब एक साथ प्राप्त हो गई। तो यहां पर हम ऋण पत्र की राशि एक मुश्त प्राप्त होने पर जो प्रविष्टि करेंगे ये जनरल हो गया, जनरल का हमने आका खींच लिया। अब यहां हम देखते हैं कि ऋण पत्र जारी किए कितने, 2000, तो 2000 × 100 ऋण पत्र, 100 रुपए वाले 2000 अंश पत्र जो बाजार में जारी किए हैं उनकी कीमत कितनी है, 100 रुपए, और ये 12% वाले ऋण पत्र हैं, तो जो राशि बैंक में आई एक मुश्त आ गई वो कितनी आ गई, 2,00,000 रुपए। कहां से आई है, 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड लमसम, अर्थात यहां पर जो है एक मुश्त राशि प्राप्त, ऋण पत्र की एक मुश्त राशि हमें यहां पर प्राप्त हुई बैंक खाते के माध्यम से 12% डिवेंचर अकाउंट। तो ये इसकी यहां पर यदि ऋण पत्रों को हम सम्मूल्य पर निर्गमित करते हैं और एक मुश्त हमें रकम प्राप्त हो जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% वाइज डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। एक और सवाल यहां पर है, एक लिमिटेड कंपनी ने 1012% वाले ऋण पत्र जिनका अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए, अर्थात एक ऋण पत्र का मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपए, क्वांटिटी कितनी जारी की उसने, 1000 ऋण पत्र 12% वाले, आवेदन पर जो है 30 रुपए आए और आवंटन पर 25 रुपए तथा याचना पर 45 रुपए मंगाए गए, सभी ऋण पत्र धारियों ने पूर्ण भुगतान कर दिया, तो जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहां पर जो है
तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जो ऋण पत्र 12% वाले उसने जारी किए हैं, उस पर जो प्राप्त राशि है 100 रुपए का ऋण पत्र है, जिस पर जो प्राप्त राशि होगी आवेदन पर 30 रुपए होगी, आवंटन पर 25 रुपए और याचना पर हम 45 रुपए प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी 1000 अंशधारी थे उन्होंने जो है सभी का भुगतान प्रॉपरली कर दिया, आवेदन का कर दिया, आवंटन का कर दिया और याचना का कर दिया। तो इसकी हम यहाँ पर जनरल प्रविष्टि करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जो है 1000 ऋण पत्रधारी हैं, अंकित मूल्य है 100 रुपए, तो ये यहाँ पर आवेदन पर जो राशि आ रही है वो आ रही है 30 रुपए। तो यहाँ आवेदन की राशि 30 रुपए, तो यहाँ पर ये 30,000 रुपए जो है इनके पास डिवेंचर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के माध्यम से 30,000 रुपए यहाँ पर आ गए। अब इसको जो हमने 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को जो है ऋण पत्र पूंजी खाते में क्या कर दिया, हमने इसको हस्तांतरित कर दिया। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 30,000 रुपए, विंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि आवंटन पर और याचना पर, तो यहां पर जो है 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट की जो राशि ड्यू हो गई वो कितने थे, 1000 अंश थे हमारे, और आवंटन की जो राशि थी वो कितनी थी 25 रुपए। तो यहां पर जो है अलॉटमेंट से राशि आना चाहिए कितनी 25,000 रुपए, 212% डिवेंचर अकाउंट से ये हो गए ड्यू राशि दे होने पर। तो यहां जो है तीसरी प्रविष्टि जो हो गई आपकी अलॉटमेंट की ड्यू राशि की हो गई। अब ये राशि हमें प्राप्त हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये 1000 × 25 25,000 रुपए जो है ये हमें अलॉटमेंट के प्राप्त हुए, कहां से, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट विंग अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट प्राप्त। यहां जो है आवंटन की जो राशि है ऋण पत्र के आवंटन की राशि को इन्हें 25,000 रुपए प्राप्त हुए। अब बचे कितने, याचना के 45 रुपीज 45 रुपए, तो यहां पर 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1000 ऋण पत्र है इंटू 45,000 रुपए जो है इनको यहां पर 12% डिवेंचर अकाउंट से क्या हो गए, ड्यू हो गए दे होने पर, अर्थात याचना की जो राशि है फर्स्ट और फाइनल कॉल याचना की राशि ये जो है ड्यू हो गई 45,000 रुपए की, 1000 अंश पत्र के माध्यम से 45 रुपए पर ईच ऋण पत्र के माध्यम से, तो 1000 ऋण पत्र का जो है 45 रुपए याचना का ड्यू, तो 45,000 रुपए फिर ये यहाँ पर बैंक से जो है याचना की राशि प्राप्त होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 रुपए 1000 ऋण पत्र इंटू याचना की राशि 45,000 रुपए और ये जो है कहाँ से आए, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 45,000, तो ये राशि यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जिस प्रकार से हम अंश पत्रों का लेखा करते हैं ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्रों का भी लेखा उसी प्रकार से किया जाता है, आवेदन पर, आवंटन पर, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, और या तो इसके अलावा जो इसके हमने पूर्व में देखा कि यदि हम ऋण पत्र की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कुछ अभ्यास प्रश्न है, ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए क्या है, अंश पत्र एवं ऋण पत्रों में अंतर लिखिए, और ऋण पत्रों के निर्गमन पर एक मुश्त राशि प्राप्त होने से क्या आशा है, जनरल प्रविष्टि दीजिए, और ऋण पत्रों के निर्गमन पर की जाने वाली जनरल प्रविष्टियों को समझाइए।